कोरोना महामारी की जंग से लड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक टीकाकरण अभियान चलाया गया है, तो वहीं इस अभियान में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 18 साल से अधिक आयु के दिव्यांग जनों व अक्षम बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके मद्देनजर बिलासपुर के विजयपुर स्थित चेतना संस्था से जुड़े लगभग 36 दिव्यांग जनों को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बिलासपुर के विजयपुर स्थित चेतना संस्था से जुड़े लगभग 36 दिव्यांग जनों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। चेतना संस्था की प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने केंद्र व प्रदेश सरकार के समक्ष दिव्यांग जनों व विशेष बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने विशेष बच्चों का ख्याल रखते हुए उनके घर द्वार पर ही कोरोना वैक्सीन लगाने के आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने दिव्यांगजनों व विशेष बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के आदेश जारी करने पर केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के बाद अन्य जिलों में भी जल्द से जल्द दिव्यांगजनों को कोरोना की पहली डोज लगाई जाएगी। वहीं दिव्यांगजनों को कोरोना का टीका लगाने के बाद संस्था द्वारा कोविड राहत किट भी वितरित की गई। आज बिलासपुर में चेतना संस्था में दिव्यांग बच्चों के वैक्सीनेशन का ड्राइव प्रारंभ हुआ। चेतना संस्था में लगभग 36 दिव्यांग बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जिला बिलासपुर के, जिन्होंने इस वैक्सीनेशन को वहाँ पर आरंभ किया, और मैं आशा करती हूँ इसी प्रकार से और भी स्थानों में दिव्यांग जनों के लिए वैक्सीनेशन का ये प्रावधान चलता रहेगा। मैं यही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का, जिन्होंने ये विशेष कार्य करने के लिए अपना सहयोग दिया, सहभागिता दी। आज मैं यहाँ से आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार के माध्यम से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें वृद्ध जनों के लिए और दिव्यांग जनों के लिए नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का एक योजना रखी गई है। इसके अंतर्गत पंचायत भवन में, स्कूल में, कम्युनिटी सेंटर्स में और वृद्ध आश्रमों में जहां वृद्ध जन हैं और दिव्यांग बच्चों के स्कूलों में जहां दिव्यांग बच्चे रहते हैं, ऐसे सभी स्थानों में कोविड के वैक्सीनेशन की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।